और आज हम सब लोगों को इसके लिए मेहनत करना, परिश्रम करना, क्योंकि आज जिस प्रकार की सरकार इस प्रदेश में बैठी हुई है, पिछले 3 वर्षों से विकास का काम तो ठप पड़ा हुआ है, काम सरकार कर नहीं रही है, लेकिन कमाने में लगे हुए, पूरे परिवार कमाने में लगे हुए, चाहे वो नदी का बालू हो, चाहे पत्थर हो, चाहे कोयला हो, यहां तक कि कहीं खाली पड़े हुए जमीन भी अगर मिलता है तो उसको भी ये लोग लूट ले रहे हैं। आज इस प्रदेश में जनता परेशान है और झारखंड के मुख्यमंत्री राजनीति करती है। आपने देखा होगा पिछले दिनों किस प्रकार से वो राजनीति कर रही है। यहाँ की झारखंड के नौजवान रोजगार के लिए सड़कों पर आंदोलन कर रही है और वो नियोजन नीति को जिस प्रकार से सरकार, जो राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में है, जो पिछली सरकार ने जब रघुवर दास जी राज्य के मुख्यमंत्री थे उन्होंने उस वक्त जब बनाए थे उसको भी उन्होंने खत्म कर दिया, और तो और वो अपने जो अधिकार क्षेत्र में है, राज्य सरकार को स्थानीय नीति बनाने का अधिकार है, राज्य सरकार को राज्य के लोगों को नियोजन देने के लिए नियोजन नीति भी बनाने का अधिकार है, लेकिन वो दूसरों के कंधे पर बंदूक रख करके वो राजनीति करते हैं। और आप तो उनकी पूरी तरह से कलाई खुल गई जब आपने देखा कि उनका ही विधि विभाग ने उनको कहा था कि आप जो नीति बना रहे हैं वो नीति अच्छी नहीं है, वो विधि सम्मत नहीं है, लेकिन फिर भी वो बना रहे और राजनीति करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी षड्यंत्र कर रही है। अब तो कहते हैं कि उनको याद भी करा रहे। अब याद करिए जब 2013 में इस राज्य के मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी हुआ करते थे और उस वक्त हेमंत सोरेन जी उप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और उस समय भी 1932 और स्थानीय नीति को लेकर के सरकार से समर्थन को वापस लिया था और सरकार गिर गई थी अर्जुन मुंडा की सरकार, और उसके बाद कांग्रेस के साथ मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर के हेमंत सोरेन ने सरकार बनाई, और उस वक्त तो झारखंड में हेमंत सोरेन की सरकार यूपीए गठबंधन की सरकार थी और केंद्र में भी मनमोहन सिंह के नेतृत्व में यूपीए गठबंधन की सरकार थी, और 13 और 14 में राज्य के मुख्यमंत्री रहे और हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं किया उस वक्त, और आज जब उनको बनाने की बारी आई तो वो राजनीति करते हैं। जब भ्रष्टाचार के आरोप में जब ईडी वालों ने उनको नोटिस दिया तो राजनीति करना शुरू कर दिए, और इसीलिए मैं आज आप सब लोगों से कह रहा हूं कि उनसे इस राज्य का विकास नहीं होगा, ना इस राज्य के नौजवानों को रोजगार मिलेगा, और इसीलिए आज जरूरत है इस प्रदेश से इस गठबंधन की, हेमंत सोरेन के जो नेतृत्व में सरकार है उसे हमें उखाड़ करके फेंकना है। और आया संथाल परगने के भाई और बहनों को मैं एक बात स्मरण करा रहा हूं, अब याद करिए 2005 का विधानसभा चुनाव, उस समय शिबू सोरेन के कोई परिवार विधानसभा की मोह तक नहीं देखे थे, आज इस विधानसभा के इस संकल्प रैली में आप सब लोग ये संकल्प लेना है, जो इस क्षेत्र के संथाल परगना के 3 लोकसभा सीटें भी हमें जीतना है और साथ साथ 18 के विधानसभा सीट भी जीतना है, और शिबू सोरेन के परिवार की पूरा बुरा बोरिया बिस्तर को बांधवा करके बोकारो वापस कर देना है। यही मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूं, यही मैं अपील कर रहा हूं कि जब तक संथाल परगना की धरती से उन लोगों की, उन पूरे परिवार की बोरिया बिस्तर को हम लोग समेट करके वापस नहीं भेज देंगे तो संथाल परगना का कल्याण नहीं हो सकता है, नहीं तो संथाल परगना को ये लोग लूटते रहेंगे, यहाँ के आदिवासियों को ये लोग ठगते रहेंगे। ओनागी मेताबोना बोहा को भारतीय जनता पार्टी सरकार तहे कना अलग झारखंड राज्य बिगारा बोना, भारतीय जनता पार्टी सरकार होते थे कि यहाँ पर झारखंड में विकास का भी जितना संथाल परगने काम हुआ, चाहे गंगा पर पुल हो, चाहे मेडिकल कॉलेज दुमका रे, चाहे नीतो नवा नाइनो फैक्ट्री या नोडेस हो, शिलान्यास हो, ना हवाई अड्डा हो, एम्स हो, होना ते बुझाओ तब उन पे भारतीय जनता पार्टी जब जब की सरकार बिना होना नवा दिशोम रे और झारखंड रे, तब की नेता में झारखंड रियांग विकास हुई ना, संथाल परगन रियांग विकास हुई ना, आ तो दबीते सड़कों से टेरे ना,
ओड़ा धबी ते बिजली हो सटे रेना और नवा दो एटा शिबू सोरेन से हेमंत सोरेन होते तो दो बांग हुआ ओना ती मेताबो ना जी तो नवा को बुझाओ तबोन पे और तीन आबो तलारे जहाँ नेता सटेर कान सरी अमित शाह जी नुया कथा बोना जो मा और हजू कन जहाँ 2024 रे लोकसभा सीट में ना पिया गोटेन ओना होबन जीता और इना साव साव ते 18 गोटेन विधानसभा ओना होबन जीता हुआ और जीताओ कते जेल का 2005 रे दुर्गा सोरेन हो बाय चलाओ दड़ेदा विधानसभा हेमंत सोरेन हो बाय चलाओ दड़ेदा उनका की नियत मन कोरो मोटोया हेमंत सोरेन हो विधानसभा बाय नेल जेमोन और नोडे सीता सोरेन हो बाय नेल और बसंत सोरेन हो बाय नेल दड़ेया उनका नियत मन कोरो मोटोया तब की नवा संथाल परगन रे विकास हुआ नवा मेन कहते कि मोचे एदा और इना रोड कहते कि इन सैन कोन अडी अडी सराव दुलर और सनाम को कि इन सैन कोन जोहार। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।